नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम लोग यहाँ पर SSC CHSL का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। तो क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम लोग SSC CHSL का 5 जुलाई 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले मैं क्लास को शुरू करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित होगा। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहां पर दे रखा है KSDO, तो KSDO से आपका क्या आ रहा है, NPGL। तो KSDO से आपका क्या आ रहा है, NPGL आ रहा है। तो आखिर लॉजिक क्या चल रहा है, देखिए K के बाद LMN, तीन स्टेप का गैप है। फिर P के बाद QRS, तीन स्टेप माइनस का तीन स्टेप का गैप है। D के बाद EFG, L के बाद MNO। तो लॉजिक क्या मिला, +3 -3 +3 -3। सेम लॉजिक अप्लाई कीजिए आप लोग SBJY में। तो लॉजिक क्या है आपका, +3 -3 +3 -3। तो S के बाद क्या आ जाएगा, TUV। V के बाद क्या, V से पहले क्या आ जाएगा, YZA, है ना, Y के बाद ZAB। फिर J के बाद KLM। फिर Y से पहले क्या आएगा, V, है ना, VWXY। तो V के बाद WXY, तो V आ जाएगा WXY। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों हमारा आंसर क्या है, तो बिल्कुल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम यहां पर बात करें तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VYMB। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल आपके सामने है। दोस्तों, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द उसी तरीके से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। तो टेलीफोन का आपको संचार दे रखा है, टेलीफोन संचार का माध्यम है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, टेलीफोन क्या है, टेलीफोन आपका संचार का माध्यम है। टेलीफोन क्या है दोस्तों, ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। टेलीफोन संचार का एक माध्यम है, वैसे ही आपका क्या होगा, वैसे ही टेलीविजन मनोरंजन का साधन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। 615 माइनस का 377 डिवाइड बाई 29 मल्टीप्लाई का 15 प्लस का 308। तो भाई राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन देखिए, अगर आप प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका, 615 प्लस का आ जाएगा 377 डिवाइड बाई आपका 29 मल्टीप्लाई का 15 माइनस का 308। क्या ये 502 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है, 377 को अगर आप 29 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। और 13 के अगर मल्टीप्लाई आप 15 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 के मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो आपका 195 आ जाएगा। तो 615 प्लस का 195 माइनस का 308 बराबर दे रखा है 502। इसको सॉल्व करेंगे तो 502 बराबर 502 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिन साथियों का भी आंसर ए वाला आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं उसी तरीके से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। तो 25 से आपका 600 आ रहा है, वैसे ही आपका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, 25 लिखा, इसका स्क्वायर किया, इसमें 25 को माइनस कर दिया,
तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। वैसे 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब इसको देखिए, 18 का स्क्वायर किया, इसमें 18 को जाने दिया, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 24 में से अगर आपका 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो आपका बचेगा 426, तो ठीक है ना, एक में से एक गया 0, तो सही जवाब हो जाएगा 306। तो अगर आपका आंसर बी वाला आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक कोड भाषा में एडवोकेट को लिखा जाता है ये, तो उसी कोड भाषा में डायलॉग का कोड क्या होगा। अब देखिए एडवोकेट को क्या लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे साथियों, एडवोकेट ए डी बी ओ सी ए टी ई। तो भाई तरीका क्या है आपको, देखिए ध्यान देना है, वीडियो को सभी लोग देखिए लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। तो देखिए एडवोकेट को क्या लिख रहे हैं, क्यू एक्स एफ सी सी आर वाई ए। तो लॉजिक क्या है, ओ पी क्यू वी है ना डब्ल्यू एक्स टी ई एफ ए बी सी। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक मिला प्लस टू सी, ठीक ना। अब यहां पर देखिए आप लोग ई, अब यहां पर आपका देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, सी डी ई आर एस टी वाई जेड ए ए बी सी, यहां लॉजिक चल रहा है माइनस टू, यहां पर आपका लॉजिक है प्लस टू, यहां आपका लॉजिक है माइनस टू, तो इसी को फॉलो करना है डायलॉग में। तो डायलॉग का क्या हो जाएगा, डी आई ए एल ओ जी यू ई। तो देखिए डी से क्या आएगा आपका ई एफ, आई से क्या आएगा जे के, ए से क्या आएगा हमारा बी सी, एल से क्या आएगा एम एन। तो यहां पर आपका क्या आ गया, प्लस टू आ गया। अब माइनस टू, ई से पहले क्या आएगा, सी डी ई, ठीक है ना, एस टी यू, फिर यहां पर आपका ई एफ जी, यहां पर आपका एम एन ओ। तो हमारा यहां पर क्या चल रहा है, माइनस का दो चल रहा है। तो सही जवाब क्या आ गया, एन सी के एफ सी एस ई एम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, एन सी के एफ सी एस ई एम। तो अगर आपका आंसर आ रहा है सी वाला तो बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, स्त्री रोग विज्ञान का संबंध महिलाओं से, सिंपल सी बात है, स्त्री रोग विज्ञान का संबंध महिलाओं से है, उसी तरीके से बाल चिकित्सा का संबंध किससे होगा, बाल चिकित्सा का संबंध हो जाएगा बच्चों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बच्चों से। फैशन, फैशन का कोड आपको यह दे रखा है, तो लास्टिंग का कोड क्या होगा, फैशन। देखिए अब आप लोग को बताते हैं फैशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, एफ ए एस एच आई ओ एन। एफ आता है 6 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एस आता है 19, 9 और 1 10, 10 का 1 लिख लिया 101। एच आता है आपका 8 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, ओ आता है 15, 5 और 1 6 लिख लिया, एन आता है 14 पर, 4 और 1 5 लिख लिया। सेम यही लॉजिक लगाएंगे लास्टिंग में, एल ए एस टी आई एन जी लास्टिंग। अब देखिए आप लोग समझिए, एल एल आपका कितने नंबर पे आता है, एल आता है 12 पर आता है, तो 2 और 1 3 आ जाएगा। ए आपका 1 नंबर पे आता है, एस आपका 19 पर आता है, तो 9 और 1 10, 1 और 0 तो 1 ही हो जाएगा। टी हमारा 20 नंबर पे आता है, 2 0 2 हो जाएगा। आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एन एन आता है 14 पर, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। जी आता है हमारा डायरेक्ट 7 नंबर पे, तो जी आ जाएगा 7 नंबर पे। तो ये होगा सही जवाब 311 311 311 311 2957 2957। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब हो जाएगा ए वाला। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब आप इसको देखिए, यहां पर आपका आकृति में अगले स्थान पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सर्किल आपका यहां था, फिर आपका एक स्टेप बाद सर्किल यहां आ गया, फिर आपका एक स्टेप बाद सर्किल यहां आ गया, तो अगली बार फिर एक स्टेप बाद यहां आ गया, तो इसके बाद सर्किल कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा।
तो ये आपका लॉजिक है, इस तरीके से लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो अब की बार देखिए, सर्किल यहां पर है और इसमें यहां पर है, यहां पर नहीं है गलत, यहां पर नहीं है गलत। अब ये देखिए दोस्तों, एक नंबर यहां पर है, फिर दूसरे नंबर पर पहुंचा, फिर ये तीसरे पर पहुंचा, फिर ये चौथे पर पहुंचा, अब की बार आएगा साइड में पांचवें नंबर पे। तो पांचवा नंबर ये है, यहां पर नहीं है, यहां पर ब्लैक पार्ट दे रखा है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए कथन है, निष्कर्ष है। देखिए कुछ बच्चे चतुर हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ चतुर बच्चे होंगे, क्योंकि ये आई है ना, सही बात है, ये आई है। तो आई को आई में चेंज कर सकते हैं, पहला सही हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ चतुर बच्चे हैं, ये लिख दिया, तो बच्चे से बच्चे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कुछ चतुर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इसको मैंने क्या लिखा, कुछ चतुर बच्चे हैं, बच्चे से ये वाला बच्चे काट दिया, तो क्या आ जाएगा, कुछ चतुर ईमानदार हैं। तो ये वाला भी सही हो गया दोस्तों, दूसरा वाला कि कुछ चतुर ईमानदार हैं। अब कह रहा है कुछ ईमानदार बच्चे हैं, ये ए है। देखिए दोस्तों, ए को भी हम लोग आई में बदल सकते हैं, अगर सभी बच्चे ईमानदार हैं तो सभी में से दोस्तों क्या होगा, कुछ ईमानदार बच्चे होंगे और कुछ बच्चे ईमानदार होंगे, ये भी सही है। तो यानी कि दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सभी आ रहा है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर सभी आ रहा है, ऑल आ रहा है, तो बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित होंगी, 16 है, 24 है, 88 है, 16 है, 24 है, 88 है। अब लॉजिक क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप लोग बताएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, मेरी बात को बिल्कुल गहन अध्ययन के साथ समझिएगा। देखिए 16 की मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग 3/2 से, 2 8 16, 8 3 24, ये 24 आ जाएगा। फिर 24 की मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 24 4 96, 96 में से 8 घटाएं तो ये 88 आ जाएगा, तो ये 88 आ गया। अब यही वाला लॉजिक आप इसमें लग रखिए, 14 है, 14 का आप 3/2 निकालिए, 2 7 14, 7 3 21, तो ये 21 आ गया। अब इसी 21 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 8 घटाइए, 21 4 84, और 7 जाएगा, सॉरी यहां पर आपका 8 गया था, यहां पर आपका 7 जाएगा, तो 21 4 4 1 4 4 2 84 में से 7 जाएगा, तो ये 77 आ जाएगा, सही बात है, बात समझ में आ रही है आपको, किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है, समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है। देखिए यहां पर आपका ये 8 से कटा था कि 2 8 16 8 था, तो मैंने यहां पर 8 घटाया है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करी और 8 घटाया, ये आपका 2 7 14 7 से कटा था, इसलिए मैंने यहां पर 7 से घटाया है, ये लॉजिक चल रहा है इसमें। बहुत ही गहन अध्ययन की जरूरत है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगा पाओगे। जिन अभ्यर्थियों का आंसर सी आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, 20 10 10 15 30, अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 20 है, 10 है, 10 है, 15 है, 30 है, अगला स्टेप क्या होगा, 20 की मल्टीप्लाई कराई 0.5 से, 10 आ गया, आधा हो गया ना तुरंत ही। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराई तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 1.5 से करी तो 15 धाम 150, 150 का 0 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 15 के 2 से मल्टीप्लाई 25 से, तो 25 3 75, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, एक 0 बचेगा, वो हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 0 हट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, हमारा सही जवाब मिलेगा 75। तो अगर आपका आंसर 75 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो देखिए पहले 2.5 है, फिर 1 है, फिर आपका 1.5 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 2.5 है, तो ये आपका लॉजिक है, इस लॉजिक को फॉलो करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ए वाला।
अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। अगर एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। अगर मैं इसके राइट साइड में एक शीशा लगा दूं, जैसे कि यहां पर मैंने शीशा लगा दिया, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। देखिए ये आपका सिक्स है, ये आपका सिक्स उल्टा बन रहा है, ये क्यों है, क्यों उल्टा है, नौ नौ उल्टा है, जी जी उल्टा है, बी बी उल्टा है, स्मॉल जी उल्टा है, स्मॉल आर उल्टा है, इसका चार का मुंह इधर है, इसमें चार का मुंह इधर है, पांच का मुंह इधर है, इसमें पांच का मुंह इधर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आपका आंसर डी वाला आया है तो बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं हम लोग जीके पर। जीके में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आप लोग की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो वो हम आप लोग को बताएंगे। तो भाई इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हॉल्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया। मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हॉल्डिंग के द्वारा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मई 2019 तक निम्नलिखित में से पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिताओं में किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते, किसने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, रोजर फेडरर। 2019 में पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, करीब 17 ग्रैंड स्लैम जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था या थी। देखिए 15वीं लोकसभा जब चल रही थी तब कांग्रेस पार्टी की सांसद थी मीरा कुमार जी, और 16वीं की अगर हम बात करेंगे 16वीं की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी थी। तो खैर 15वीं पूछा गया है तो 15वीं की कौन है आपकी, तो ये आपकी थी मीरा कुमार जी। तो जिनका भी आंसर मीरा कुमार आ रहा है बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है आपके, बताइए। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, श्रीमान ओम बिरला जी। वर्तमान समय के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक स्तर पर 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों वैश्विक स्तर पर 2019 में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो वैश्विक स्तर पर 2019 में 28 मई का दिन मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, 28 मई मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है। देखिए भारत का पड़ोसी देश सबसे छोटा कौन सा है, हाँ तो बिल्कुल आपने सही बताया, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है। हाँ मालदीव हो जाएगा, नेपाल 29.3 मिलियन जो है, अफगानिस्तान शेयर करता है 35.53 मिलियन जगह, मालदीप केवल 4.27 लाख जगह को इसकी मिलती है। तो जिनका भी आंसर मालदीप सारा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा मालदीप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही बताया, सही जवाब हो जाएगा ए वाला हो जाएगा झरिया। तो जिनका भी आंसर झरिया आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका उपयोग किया जाता है। तो जिनका भी आंसर सीपीआई आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए, याद रखिएगा, भारत में जो भी कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका सीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? तो सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं सबसे ज्यादा, और यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी है भारत, हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा। मई 2019 तक भारत ने पुरुषों की हॉकी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, इसमें टोटल आपके 8 स्वर्ण पदक आ गए हैं। सबसे पहला 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में, फिर 1948 में, उसके बाद 1952 में, फिर आपका 1956 में, फिर आपका 1964 में, और फिर आया था 1980 में, 1980 में। चलिए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? आर्टिकल नंबर 352। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, आर्टिकल नंबर 352 का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है बताइए? प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूतम के रचनाकार हैं महाकवि कालिदास जी। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कालिदास जी। इसकी लोकप्रियता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से हो रही है। यह महाकाव्य 2 खंडों में विभक्त है। तो जिनका भी आंसर कालिदास आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट होगा, सही जवाब हो जाएगा बी वाला। निम्नलिखित में से किसे मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस M.K. सीकरी, जस्टिस A.K. सीकरी। तो जिनका भी आंसर आ रहा जस्टिस A.K. सीकरी, बिल्कुल राइट होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? निम्नलिखित में से किसने 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा को 7-6, 5-7, 6-4 से हराकर जीता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर आपका आंसर आ रहा है नाओमी ओसाका, तो बिल्कुल राइट है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। चलिए, अब शुरुआत करते हैं मैथ की। मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको दे रखा है 5 क्यूब रूट में दे रखा है x, 12 क्यूब रूट में दे रखा है x, 13 क्यूब रूट में दे रखा है x, तो ये सब बराबर है, तो x का मान क्या होगा? देखिए, मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट पढ़ाई थी, एक ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13 की, तो 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5, 12, 13 की ट्रिपलेट होती है। तो यहां पर आपका देखिए क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर से। ये कैसे आया? ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। ये कहां से आया? ये चीज आपकी आई है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों, आपका जो क्यूब रूट में x दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है,
अगर मैं इधर क्यूब कर दूं, इधर क्यूब कर दूं, तो ये देखिए क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होगा, एक्स बचेगा, इधर दो का क्यूब आठ हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आठ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ बिंदु पर मिलते हैं। अगर एंगल ए बराबर 116 है, अगर एंगल ए बराबर आपका क्या है 116 है, तो एंगल बी ओ सी की माप क्या होगी? तो आपको क्या करना है, आपको एंगल बी ओ सी की माप निकालनी, एंगल बी ओ सी की माप क्या होगी। अब देखिए, ये आपका दे रखा है त्रिभुज एबीसी, एक मिनट रुकिए, ये आपका है त्रिभुज एबीसी, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ये आपका त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है। अब दोस्तों, एंगल बी और एंगल सी के जो समद्विभाजक हैं, जो आपके समद्विभाजक हैं, ये ओ बिंदु पर मिलते हैं, ये ओ बिंदु पर आपके मिलते हैं, ठीक है ना, ये जो समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं। एंगल ए का मान आपको 116 डिग्री दे रखा है, तो एंगल बी ओ सी का मान कितना होगा, ये तो थ्योरम है ना आपकी, एंगल बी ओ सी बराबर होता है आपका 90 प्लस एंगल ए वाई टू, 90 प्लस एंगल ए वाई टू, ठीक है ना। तो 90 लिख लिया प्लस 116 का आधा कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 11 × 2 = 16, 58 आ गया। 90 में 58 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 808, 9 × 5 = 14, तो सही जवाब हो जाएगा 148 डिग्री। तो ये डिग्री होगा, 1480 नहीं है, ये डिग्री होगा, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है क्या बोलते हैं 148, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 148 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, अगर 10 अंकों की एक संख्या 7220x558y2 88 से विभाज्य है, तो 5x + 5y का मान क्या होगा। देखिए 88 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, जो संख्या 11 से कटती है, 8 से कटती है, वो 88 से कटेगी। तो 8 का नियम आपको पता है, ये 8y2 दे रखा है, 8 से काटो, 8 एक आठ कट गया, 8 × 4 = 32, 14 आएगा। इसका मतलब है y का मान क्या होगा, अगर y का मान 3 होगा तभी तो 8 × 32 कर लेंगे, तो y का मान 3 आ गया। अब लिखिए 7 2 2 0 x 5 5 8 y का मान कितना लिख दिया, y का मान 3 आ चुका है, 3 2। अब देखिए 7 × 2 = 9 9 x 9 x हो गया, 9 × 5 = 14 14 × 3 = 15 16 17, तो ये आ गया 17 प्लस का x आ गया। अब आप इसको देखिए दोस्तों, 2 × 2 2 × 5 = 7 7 × 8 = 15 15 × 2 = 17, ये 17 आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो कब आएगा, अगर x बराबर जीरो है तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर x बराबर जीरो रखोगे तो 17 बचेगा, 17 में से 17 जाएगा, जीरो बचेगा, तो x बराबर जीरो आ गया। तो आपको निकालना है 5x + 5y का मान कितना होगा। चलिए देखिए 5x + 5y का मान कितना होगा, x का मान जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा, 5y, y का मान 3 है, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपका आंसर 15 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 15। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x + 7 3 2x + 8 3 2x + 3 बराबर दे रखा है 3 2x + 7 2x + 8 2x + 3, तो x का मान क्या होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc कब होता है, बराबर 3abc जब होगा, जब आपका a+b+c का मान जीरो हो। यदि a³ b³ c³ बराबर हैं, तो ये चीज पॉसिबल है कि abc का मान कितना होगा, जीरो होगा। तो यही लिखा है a³ b³ c³, ये लिखा है 3abc,
तो ये कब बराबर होंगे, जब आपका a यानी कि 2x प्लस का 7, b यानी कि 2x प्लस का 8 एंड c यानी कि 2x प्लस का 3, इसका मान 0 हो। तो 2 2 2 2 3 6x हो गया, 8 3 11 7 18, इधर भेजेंगे माइनस का 18 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 3 18, x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। तो अगर आपका आंसर माइनस का 3 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा मेरे लाडलो मेरे प्यारो, आपका सही जवाब क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई फिर 30% की कमी करी। अब देखिए, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई यानी कि 100 था ये आपका 130 हो गया, फिर 30% की कमी हुई, 30% की कमी का मतलब 70% निकाल देंगे, तो 0 0 0 0 कट गया, 13 7 91 हो गया, फिर से 30% कमी हुई, फिर से इसका 70% निकाल देंगे, तो कितना बचेगा आपका, 7 1 7 7 9 63, तो ये आ जाएगा 63.7। इसका मतलब है 100 में से 63.7 घटाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 7 10 में से 7 गया 3, 9 में 3 गया कितना हो जाएगा 6, और 9 में 6 गया 7 8 9, ठीक ना, 3 बचेगा 6 3 9, तो 36.3, इसका मतलब लगभग में आ जाएगा 36%। तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, 36% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, लगभग में आपका क्या हो जाएगा, लगभग में 36% की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट, वेरी गुड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनों की गति का अनुपात है 5:7, अगर पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी, ये आपको निकालना है। अब पहली ट्रेन है 5x, दूसरी ट्रेन है 7x है। अब 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है पहली ट्रेन, देखिए जिसकी चाल 5x है, ये 300 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करती है, तो ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो x बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान 20 आ गया। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 7 × 20 20 7 140, तो दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, तो अगर आपका आंसर 140 आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला सवाल, ए बी और सी क्रमशः 4, 20 और 60 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है ए बी और सी, तो ये करता है 4 दिन में, ये करता है 20 दिन में, ये करता है 60 दिन में। 4, 20, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 4 × 4 4 × 5 = 20 15 हो गया, 20 × 3 = 60 60 × 60। तो अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 15 × 16 = 3 = 19 आ गई। तो तीनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, 19 × 57 57 × 3 = 60/19, तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, 3 सही 3/19 दिन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा 3 सही 3/19 दिन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका अगला सवाल, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है तो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। अब जैसे दो संख्याएं, पहली संख्या आपको 7 दे रखी है, दूसरी संख्या 5 दे रखी है, पहली संख्या 7 है दूसरी 5 है, अगर प्रत्येक में 40 की कमी कर दी जाए तो इनका अनुपात 27:17 हो जाता है, इन दोनों के बीच का गैप 10 है, इनके बीच का गैप 2 है, 5 2 7, तो 10 × 10 2 × 5 = 10, गैप बराबर कर लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से करा दो, 5 7 35,
पचम 25, ठीक है, इसकी 27 एकम 27, 17 एकम 17, अब सही है। अब 35 में से 27 घटाओ, 25 में से 17 घटाओ, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 8x। ये डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 40 के बराबर आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5, 8 पंजे 40। तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, तो ये संख्याएं हैं और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 35 में से 25 आएगा 10 बचेगा, 10x आ जाएगा, x का मान 5 है, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, तो इस तरीके से दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा 50। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपका आंसर 50 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अब देखिए, एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत सेम दे रखी है। जब प्रत्येक की कीमत बराबर हो, जब दो वस्तुएं सेम चीज सेम मूल्य पर, जब दो वस्तुओं का सीपी बराबर हो, याद रखिएगा, जब दो वस्तुओं का सीपी बराबर हो, पहली वस्तु को अगर 15% की हानि पर बेच रहा है तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा ताकि कोई लाभ हानि ना हो, तो दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचेगा ताकि कोई लाभ ना हानि ना हो। 100 रुपए की चीज है, पहली वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 85 का बेचेगा, तो दूसरी चीज को कितने में बेचेगा, दूसरी को बेच देगा दोस्तों 115 में बेचेगा। तो यहां 15 रुपए की हानि हो रही थी, यहां 15 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो इस कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, 0% का लाभ हानि होगा। तो यानी कि अगर प्रत्येक वस्तु का सीपी बराबर हो, अगर प्रत्येक वस्तु का सीपी बराबर हो, तो अगर एक वस्तु को एक्स परसेंट की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब है दूसरी वस्तु को एक्स परसेंट के लाभ पर बेचेगा, तभी उसको कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो इस बात को याद रखेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा 15%। अब आते हैं इंग्लिश पर, ठीक है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप इंग्लिश में अपने आप को, ठीक ना, परफॉर्म कर पाओगे अच्छी तरीके से, तो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसके लिए आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेम्परेट। टेम्परेट का आपको सिनोनिम बताना है, टेम्परेट का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। टेम्परेट का मतलब होता है मध्यम या नरम, टेम्परेट का मतलब क्या होता है, मध्यम होता है या नरम होता है, मध्यम या नरम। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब भी होता है मध्यम या फिर नरम होता है। टेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, देखिए बाकी के मैं मतलब आपको समझा दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। टेम्प्रेरी का मतलब होता है आपका अस्थाई होता है, टेम्प्रेरी का मतलब आपका क्या होता है, अस्थाई होता है। टेंटेटिव का मतलब वही होता है जो आपकी एग्जाम डेट आती है, इसका मतलब भी अस्थाई होता है। एक्सट्रीम का मतलब होता है चरम सीमा पर, चरम हो जाएगा, एक्सट्रीम का मतलब चरम, इन दोनों का मतलब ही अस्थाई होता है। खैर, आपका सही जवाब हो जाएगा ए वाला, टेम्परेट मतलब मॉडरेट, टेम्परेट मतलब मॉडरेट। अब देखिए दोस्तों, टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर मतलब कानों में रुई ठूस लेना, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए ईयर मतलब होता है कान, डीप मतलब बहरा सुनना, तो कानों में रुई ठूस लेना, कानों में रुई ठूस लेना, इसका मतलब होता है कानों में रुई ठूस लेना। तो क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो कानों में रुई ठूस लेना, दैट मीन्स इसका मतलब होता है ध्यान ना देना, इसका मतलब क्या है, किसी बात पर ध्यान ना देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू पे नो अटेंशन या टू पे नो हीड, किसी बात पर ध्यान नहीं देना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ध्यान ना देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, इसको बताना है, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल का मतलब होता है आपका असाधारण, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है असाधारण। तो क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा, ऑप्शनल होगा, रेयर होगा, यूनिक होगा, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण। तो इसका उल्टा बताना है, उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डिनरी,
ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आपको दे रखा है ऑप्शनल दे रखा है, ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और यूनिक का मतलब होता है आदित्य, आदित्य, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द चाइल्ड मेड एज ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। तो बच्चा जो था, क्या उसने क्या बना लिया? तो वह अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, तो वह अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, तो बच्चे ने क्या जल्दबाजी में बनाया? तो हरी नहीं होगा, रिपिडिटी नहीं होगा, स्विफ्टनेस नहीं होगा। देखिए हरी का मतलब भी होता है एक तरीके से, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, जल्दी, तो जल्दी नहीं होगा, रैपिडिटी नहीं होगा, स्विफ्टनेस तेजी नहीं होगा। बच्चे ने जल्दबाजी में बनाया हैस्ट, हैस्ट मतलब होता है जल्दबाजी में, तो बच्चे ने जल्दबाजी में बनाया, ठीक ना, क्योंकि वह अपने स्कूल के लिए क्या हो रहा था, लेट हो रहा था जल्दबाजी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सी स्पेलिंग आपको गलत दे रखी है? सबसे पहला आपको दे रखा है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, इसको बोलते हैं तुच्छ बोलते हैं। ट्रेनी मतलब क्या होता है? ट्रेनी मतलब होता है आपका अत्याचार। ट्रेनी मतलब क्या होता है आपका? अत्याचार। टिपकल का मतलब क्या होता है? ठेठ। टिपकल का मतलब क्या होता है? ठेठ होता है। तो ट्यूशन की स्पेलिंग गलत दे रखी है, आंसर बी होगा। ट्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? चलिए आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ट्यूशन की करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, टी यू आई, टी यू आई, टी आई ओ एन, ट्यूशन। ओके बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आपको दे रखा है द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। तो शादी ना करने की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचार्य अवस्था। जिस अवस्था में व्यक्ति की शादी ना हुई हो, ठीक ना, जो अनमैरिड हो, तो अनमैरिड रहने वाली जो अवस्था है उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं? सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका, नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मचार्य अवस्था, ब्रह्मचार्य अवस्था, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है? मोनोगैमी। मोनोगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है आपका बहुविवाह। इसका मतलब बहुत सारी शादी करना, तो ये बहुविवाह हो गया। फेमिनिज्म का मतलब हो गया नारीवाद हो गया, ठीक है ना, नारीवाद हो गया। मोनोगैमी एक, जो एक विवाह को मानता हो उसको मोनोगैमी कहेंगे। पॉलीगैमी बहुत सारे विवाह हो गए, जो बहुत सारे विवाह में विश्वास रखता हो। खैर हमारा सही जवाब हो जाएगा सेलिबेसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अब आप लोग देखकर बताइए कि हमारा यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। एक मिनट देंगे आप लोग मुझे। द मैन्युफैक्चरर कन्फर्म्ड विद द स्पेसिफिकेशन गिवन फ्रॉम द क्लाइंट। देखिए कन्फर्म, यहां पर एक वर्ड आ रहा है कन्फर्म आ रहा है, तो कन्फर्म के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। आपको पता होगा कन्फर्म टू ये, कन्फर्म टू वो, तो कन्फर्म के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। यहां पर विद गलत, वाई गलत, टू लग जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कन्फर्मेशन, कन्फर्म के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, विद का नहीं, और फ्रॉम के प्लेस पर वाई का प्रयोग सही है। यहां पर जो फ्रॉम आ रहा है यहां पर आ जाएगा वाई द क्लाइंट, फ्रॉम ना होकर क्या हो जाएगा वाई द क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। एक बात याद रखिएगा, कन्फर्म के साथ प्रीपोजिशन चलता है टू, कन्फर्म टू समथिंग। अब आपको बताना है एंटोनियम डिस्पेयर। डिस्पेयर का एंटोनियम क्या हो जाएगा?
देखिए दोस्तों, डेस्पियर मतलब होता है निराशा। डेस्पियर मतलब क्या होता है? डेस्पियर मतलब होता है निराशा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? होप हो जाएगा। होप मतलब क्या होता है? आपका आशा होता है। होप मतलब क्या हो जाएगा? आपका आशा हो जाएगा। फिर आपको यहां पर दे रखा है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व होना। काम, काम मतलब आपका दोस्तों क्या होता है? शांत होता है। डर्थ मतलब क्या होता है? कमी होता है। डर्थ मतलब क्या होता है? आपका कमी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू वॉट आई वॉन्ट। तो अब आप लोग बताएंगे यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी टू डू वॉट आई वॉन्ट। टू डू वॉट आई वॉन्ट, तो यहां पर आपका क्या लग रहा है? क्या आ जाएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा। देखिए, प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। जो प्रिवेंट आ रहा है इसके साथ प्रीपोजिशन चलता है फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। डू का नहीं, तो दोस्तों डू का नहीं इस्तेमाल होगा, तो फ्रॉम डूइंग आ जाएगा। तो फ्रॉम आएगा और फिर प्रीपोजिशन के बाद आपकी आईएनजी फॉर्म आ जाती है, तो फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। तो जिनका भी आंसर बी आया है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में, टेक टू टास्क। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे आप लोगों ने अपने बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एटलीस्ट सबसे पहले आपका काम क्या है, आप अपने यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा, लिखिएगा वहां पर बीएसए फैक्ट ज्ञान, ऐसे डाल दीजिएगा। सर्च करेंगे, सर्च करेंगे दोस्तों, सर्च करने में ही आपका दोस्तों आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी वीडियोस देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब एक मीनिंग आपको दे रखा है ईडीएम का, टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है फटकारना या डांटना। टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ से फटकारना, या फिर हो जाएगा आपका डांटना हो जाएगा, फटकारना या डांटना हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा रिव्यू, टू रिव्यू। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।